आर्टिकल कौन सा है? 102। ये चैप्टर बेसिकली है सिक्स कानून शहादत ऑर्डर का। एविडेंस ऑफ टर्म्स, ये पहले चैप्टर को मैं आपको बताता हूँ। ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ ऑरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी जो जुबानी शहादत है उसको डॉक्यूमेंट्री से कैसे माइनस किया जाता है। एविडेंस ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, grants and other disposition of property reduced to form of document when the terms of a contract or of a grant or of any other disposition of property have been reduced to the form of document and in all cases in which any matter is required by law to be reduced to the form of a document no evidence shall be given in proof of the terms of such contract grant or other disposition of property or of such matter except the document itself or secondary evidence of its content in cases in which secondary evidence is admissible under the provision given before contained। बात यह है कि अगर कोई चीज, कोई एविडेंस, कोई शहादत जो है वो हो किन की बेस पर? ग्रांट्स की बेस पर, कहता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स हो, ग्रांट्स हो या कुछ प्रॉपर्टी के लेन देन के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन हो, तो ऐसी सूरत में कोई भी जो शहादत होगी वो डॉक्यूमेंट्री मानी जाएगी, इट्स सेल्फ डॉक्यूमेंट्री शहादत मानी जाएगी। ओरल एविडेंस को कंसीडर नहीं किया जाएगा। उस डॉक्यूमेंट्री की प्राइमरी डॉक्यूमेंट हो सकता है या सेकेंडरी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जबानी शहादत की वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, कोई ग्रांट है, कोई परमिशन है, कोई प्रॉपर्टी का लेन देन है, तो अगर लिखित ही नहीं है, उसकी तहरीर ही नहीं है, तो वो आपको क्या सपोर्ट करेगी? ठीक है, बात करते हैं जी उसके बाद 103 की, आर्टिकल 103। एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट व्हेन द टर्म्स ऑफ एनी सच कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी और एनी मैटर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस्ड टू द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट हैव बीन प्रूव्ड अकॉर्डिंग टू लास्ट आर्टिकल नो एविडेंस ऑफ एन ओरल एग्रीमेंट और स्टेटमेंट शैल बी एडमिटेड। नो एविडेंस ऑफ एनी ओरल एग्रीमेंट टू बी एडमिटेड। वो बात कहता है कि अगर कोई ग्रांट हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई प्रॉपर्टी का लेन देन का मसला हो, तो उस पर जबानी शहादत को कबूल नहीं किया जाएगा। एज बिटवीन द पार्टीज टू एनी सच इंस्ट्रूमेंट और देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टिंग वेरिंग एडिंग टू द सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इट्स टर्म्स, यानी कि कोई भी उससे ना फिर सके ना मुकर सके, अगर कोई भी चीज़ होगी तो डॉक्यूमेंट तो होगा ना। बात करते हैं जी, अब हमारे पास है आर्टिकल 104। एक्सप्लेनेशन, अच्छा ऊपर एक्सेप्शन है, 102 में एक्सेप्शन है, वो मैं पढ़ देता हूँ। व्हेन ए पब्लिक ऑफिसर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अपॉइंटेड इन राइटिंग एंड व्हेन इट इज शोन दैट एनी पर्टिकुलर पर्सन हैज एक्टेड एज सच ऑफिसर द राइटिंग बाय व्हिच ही इज अपॉइंटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड, यानी जब एक पब्लिक ऑफिसर ऑन रिटन टेस्ट अपॉइंट होगा तो उसके लिए लिखित की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो अकॉर्डिंग प्रोसेस अपॉइंट हो रहा है। सर, वो जिसे हम कहते हैं लोकल कमीशन अपॉइंट, नहीं ऑफिसर की बात हो रही है। जरूरी नहीं है सारी लोकल कमीशन की, किसी ऑफिसर की अपॉइंटमेंट का बात है ना, तो वो अपॉइंटमेंट तो ऑलरेडी एक प्रोसेस के तहत हो रही है, तो उसको फर्दर एज ए एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो सारा मेंशन होता है। एक एडवर्टाइजमेंट आती है, उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है, आप अप्लाई करते हैं, उसका एक प्रोसेस होता है जो रूटीन में आप फॉलो करते हैं, अप्लाई करते हैं, टेस्ट होता है, उसके बाद लिस्ट लगती है, इंटरव्यू होता है, फिर फाइनल लिस्ट लगती है, तो उसको फर्दर लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक प्रोसेस से गुजर के आए हैं। नंबर दो, विल्स एडमिटेड टू प्रोबेट इन पाकिस्तान मस्ट बी प्रूव्ड बाय द प्रोबेट, यानी जो ऑलरेडी वसीयत एडमिटेड है उस पर वैसे दलाल की जरूरत नहीं, बस उसको रिटर्न करना जरूरी होता। मैं कहता हूँ कि जो चीज ऑलरेडी लिखी हुई है या ऑलरेडी मान ली गई, एडमिटेड है, बात ही खत्म। एक अतराज कब आता है, मसला कब होता है, जब उस पर अतराजात उठाए जाते हैं। जब एक चीज मैं कहता हूँ ये मार्कर मेरा है, आप कहते हैं जी आपका, बात ही खत्म, आपने एतराज तो नहीं ना किया। जब आप कहेंगे नहीं नहीं ये आपका नहीं, ये फ्रांक है, तब बात इशू में आएगी। एक्सप्लेनेशन नंबर वन है, दिस आर्टिकल अप्लाइज इक्वली टू केस इन विच द कॉन्ट्रैक्ट्स ग्रांट्स और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी रेफर टू आर कंटेन इन वन डॉक्यूमेंट एंड इन केसेस इन विच दे आर कंटेन इन मोर डॉक्यूमेंट्स दैट वन। बात यह है कि ये आर्टिकल उन चीज़ों पर भी अप्लाई होगा जिनमें कोई एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाएगा, या किसी काफ़ी सारी चीज़ों में कोई एक, या एक सारी एक चीज़ में कोई काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट किसी मामलात में लिखे जा सकते हैं।
एक्सप्लेनेशन वेयर देर आर मोर ओरिजिनल देन वन वन ओरिजिनल ओनली नीड टू प्रूव. जब एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट हो तो सिर्फ एक को प्रूव करने की जरूरत है जो ओरिजिनल है. नंबर तीन, द स्टेटमेंट इन एनी डॉक्यूमेंट व्हाटएवर ऑफ ए फैक्ट अदर देन द फैक्ट्स रेफर्ड टू इन दिस आर्टिकल एंड शैल नॉट प्रीक्लूड द एडमिशन ऑफ ओरल एविडेंस एज टू द सेम फैक्ट. यानी अगर एक चीज डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है वही चीज जुबानी तौर पर कही जा रही है तो जुबानी को मानने में कबाहत नहीं है. ठीक है, उसके बाद है जी 104 पढ़ते हैं. एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स. When language used in a document is plain in itself and when it applied accurately to existing facts, evidence may not be given to show that it was not meant to apply to such facts. वो बात ये करता है, जब कोई document है उसकी जो तहरीर लिखी हुई है वो बिल्कुल सादा understandable है, हर कोई उसको समझ सकता है, फर्दर उस पर प्रोबेट या बात करने की जरूरत नहीं है जो क्योंकि वो document ही खाली शहादत के लिए काफ़ी है, फर्दर उसको साबित करने की ज़रूरत नहीं है और उसके लिए शहादत की ज़रूरत नहीं है. बात करते हैं 105 की. एविडेंस एज टू डॉक्यूमेंट अनमीनिंग इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स. वेल लैंग्वेज यूज्ड इन ए डॉक्यूमेंट इज प्लेन इन इटसेल्फ बट इज अनमीनिंग इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स मे बी गिवन टू शो दैट इट वॉज यूज्ड इन ए पिक्यूलियर सेंस. यानी वो शहादत वो डॉक्यूमेंट्री तहरीर जो वैसे तो सामने लिखी हो लेकिन वो समझ नहीं आ रही कि वो जाहिर किस बात को कर रही है. लिखने में सेम है, इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है, लेकिन उसमें रेफरेंस वाजे नहीं है कि ये बात किसकी हो रही. फॉर एग्जांपल, ए कहता है बी को मैंने एक हाउस सेल करना, बी कहता है मैं खरीद लेता हूँ. ए तहरीर लिख देता है कि मैंने अपना एक अपना जो मकान है वो बी को लिख दिया. अब यहाँ पे मसला कहाँ पे आया है? मसला ये पे आया कि ए के पास एक घर तो है कराची में, दूसरा घर है लाहौर में. अब उसने लिख के कौन सा दिया है ये एम्बिगुअस बात है, कराची वाला लिख के दिया या लाहौर वाला लिख के दिया. ए ने बी को घर तो दे दिया कि मैंने आपको एक घर दिया, वो कहता है मैंने ले लिया. अब बी कहता मुझे तो लाहौर वाला चाहिए, वो कहता मैंने आपको कराची वाला लिख के दिया. यानी तहरीर प्लेन थी लेकिन वाजे नहीं थी, अनमीनिंग थी. ठीक है, ये मेंशन नहीं किया, अनमीनिंग तहरीर होगी ना, सादा सी थी लेकिन अनमीनिंग थी. बात हम समझते हैं. 106 मेरे जितने भी वो है ना पूरे पाकिस्तान में सुनने वाले, मुझे जब भी उनकी कॉल या मैसेज आते हैं सर आप बड़ा सिंपल पढ़ाते हैं, तो मैंने कहा पढ़ाने का मतलब भी यही होना चाहिए कि जो सुनने वाला है उसको समझ आए. अगर फिलोसफी की जाननी है उन पर तो वो अकेले वैसे ही बड़े फिलोसफर होते हैं जो पहले परेशान होते हैं, तो चीज़ें आसान करके समझाओ. 106 एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज विच कैन अप्लाई टू वन ओनली ऑफ सेवरल पर्सन when the facts are used such that the language used might have been meant to apply to anyone and could not have been meant to apply to more than one of several persons or things, evidence may be given of facts which show which of those person or thing it was intended to apply. बात यह है, बात करता है कि जब एक चीज लिखी हो, एक तहरीर लिखी हो किसी डॉक्यूमेंट में और उस वो किसी एक बंदे की तरफ या एक से ज़्यादा बंदे की तरफ या किसी एक से ज़्यादा चीज़ों की तरफ इशारा कर रही हो, अब ये वाजे ना हो कि कौन सी चीज़ों की तरफ इशारा कर रही है, तो उनको साबित करने के लिए फिर शहादत की ज़रूरत है. कैसे? ए कहता है मैंने हॉर्स सेल करना है, उसने एक घोड़ा सेल किया किसको, बी को. ए के पास बेसिकली तीन घोड़े थे, 1, 2, 3. एक कहता है मैंने आपको अपना वाइट घोड़ा दिया, कौन सा वाइट हॉर्स सेल किया, इसके पास तीन वाइट है, ये डांसिंग है, ये रेसी है, ये वैसे शौकिया रखा हुआ. ठीक है, नंबर वन कौन सा है, डांसिंग हॉर्स है, नंबर टू रेसिंग हॉर्स है, नंबर थ्री शौक के लिए रखा हुआ है, वैसे वो कोई प्रैक्टिस उसकी नहीं है. अब जो कहते हैं ना कि मैंने वाइट हॉर्स आपको सेल कर दिया, अब
कौन सा वर्ड, डांस वाला, रेस वाला, या जो शौक के लिए उसने रखा हुआ, इस चीज को साबित करने के लिए भी कहता है मुझे तो रेसिंग हॉर्स चाहिए, ये चाहिए। वो कहता है नहीं, मैंने तो आपको इसकी बात की थी। इस पर फिर बात हो, इसको प्रूव करने के लिए एविडेंस की जरूरत हो। उसमें यह है कि उसमें ये अनमीनिंग स्टेटमेंट है, पता ही नहीं है। इधर ये वो कहता है व्हाइट हॉर्स बेचना, ऑलमोस्ट मिलता जुलता ही है, लेकिन थोड़ा सा माइनस। उसमें ये है कि उसमें किसी एक चीज का अनमीनिंग कहा गया, यहाँ एक से ज्यादा चीजें, यानी एक या एक से ज्यादा बंदे हों या चीजें हों उनका जिक्र है, वहां पे किसी एक ही चीज को अनमीनिंग यानी उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए ज्यादा चीज है। ठीक है, 107 लॉ सारे मिलता जुलता होता है। 107 है एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज टू वन ऑफ टू सेट्स ऑफ फैक्ट्स टू नीदर। Evidence as to application of language to one of two sets of facts to neither of which the whole properly applies. When the language used applies partly to one set of existing facts and apply partly to another set of existing facts, but the whole of it does not apply correctly to either, evidence may be given to show to which of the two set was meant to apply. बात यह है, जब किसी मुआहदे को किसी तहरीर को साबित करने के लिए दो different language use हुई हूँ, दो डिफरेंट सेंस यूज हुई हूँ, अब कौन सी असल सेंस है या कौन सी सही, क्योंकि जब दूसरी अप्लाई करते हैं तो वो गलत हो जाती है, पहली करते हैं तो दूसरी गलत हो जाती है, तो यहाँ पर एविडेंस की जरूरत है उसको साबित करने के लिए। ठीक है, ए एग्री, इसके नीचे इलस्ट्रेशन पढ़ो अभी देखता हूँ। ए एग्रीज टू सेल टू बी, ए एग्री होता है बी को सेल करने के लिए माई लैंड एट एक्स। ए कहता है बी को कि मैं आपको अपनी जमीन दूंगा, कौन सी, एक्स, एक्स प्रॉपर्टी दूंगा इन द ऑक्यूपेशन ऑफ वाई, वो कहता है जो कि वाई के कब्जे में है। ए हैज लैंड एट एक्स बट नॉट इन द ऑक्यूपेशन ऑफ वाई, लॉ ये कहता है कि ए के पास एक्स जो जमीन है ये है तो जरूर, लेकिन वो वाई के कब्जे में नहीं है। एंड ही हैड लैंड इन द ऑक्यूपेशन ऑफ वाई बट इट इज नॉट एक्स, वो कहता है ए की जमीन वाई के पास जरूर है लेकिन वो एक्स वाली नहीं है, वो कोई और है। बट इट इज नॉट एट एक्स, एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट्स विच ही मीन टू सेल, उसने पहले कहा कि मैं आपको जमीन बेचता हूं, जमीन मेरी है ये एक्स है, बी वो जो एक्स जमीन है वो वाई के कब्जे में, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, ए की जमीन जो है वो वाई के कब्जे में जरूर होती है लेकिन वो एक्स वाली एरिया नहीं होता, वो कोई और होता। अब जो बी, ए बी को जमीन सेल करना चाह रहा है, एक्स जो वाई के कब्जे में है, वाई के कब्जे में तो एक्स है ही नहीं, लिहाजा उसको अगर इधर की बात की जाए, ए की बात वाई के साथ मिलाई जाए तो वो फिर बी वाली गलत हो जाती, अगर बी वाली मिलाई जाए तो फिर वाई वाली गलत हो जाती, यानी अब इसको साबित करना पड़ेगा कि ये चीज सही कैसे, बस समझ आ गई, वो ऐसे साबित ए करेगा बिल्कुल, क्योंकि बी ने तो खरीदनी है ना, बी का तो मसला ही कोई नहीं, ए सर उसे बेच रहा है, ए बेच रहा है और बी खरीदने को तैयार, बी खरीदने को तैयार, ए ए बी को कहता है मेरी प्रॉपर्टी है एक्स, जो एक्स जगह है, फॉर एग्जाम्पल इसकी ये मिसाल ले लेते, मेरी जगह है जोटाउन में जो के वाई के पास है, जोटाउन में मकान है जो वाई के पास है, पोजेशन इसके पास है, एक्चुअल में जो वाई है इसके पास जगह ए की है लेकिन वो एक्स वाला प्लॉट नहीं है, वो कोई और, वो फॉर एग्जांपल जेड प्लॉट। अब जो ए कह रहा है कि मेरा एक्स प्लॉट वाई के पास है लेकिन वाई के पास जेड प्लॉट है, ये दोनों सेट या दोनों मामला डिफरेंट है, अब इसको साबित करना है कि ये कैसे कह रहा है। सर सिविल मैटर में इस तरह होता भी है, ऐसे लोग सर कहते हैं कि मेरे पास पोजेशन नहीं है, मेरे पास मलकियत है, मैं वो सेल करना चाहता हूँ लेकिन कब्जा किसी और पार्टी के पास है। अभी कल हमारे पास एक केस है, वो कहते हैं जी डील मारे हमारे साथ, करोड़ की प्रॉपर्टी है हमारी, हर चीज हमारे नाम पर है लेकिन पोजेशन नहीं है, पोजेशन नहीं, हम कहते हैं सोच लेकिन सर वो तो क्लियर बताते हैं, यहाँ तो कंफ्यूज वो कर रहे हैं ना।
हम बात करते हैं 100, इसको प्रूव करने की अब जरूरत है, एविडेंस की जरूरत है, यही करेगा सर। ये ए ने जमीन बेची है बी को, इस तहत के भाई वो बेचना चाहता है, बेचना चाहता है, एक्स जमीन है मेरी वाई के कब्जे में, वाई के कब्जे में, जब वाई के पास हो जाता है वो कहता है यार मेरे पास तो जेड का कब्जा है, मेरे पास जमीन एक ही है लेकिन वो प्लॉट और ठीक है, वो जेड है ठीक है, तो इसमें ये सूट जोन साहब बी कर देगा ए के ऊपर, वो फिर बताएंगे कि वो तो अभी सेलना चाह रहा है, सेल करना चाह रहा है, अब बी ये कहेगा कि भाई इस पर अब मुझे बताओ वो कौन सी है। अच्छा, इसको साबित अब ए ने करना है कि वो कैसे करना है। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि जो चीज एम्बिगुअस है उस पर एविडेंस कैसे होंगे, ये दो डिफरेंट सेट आ गए। तो अदालत में जाके एविडेंस होती, कानूने शहादत के ऑर्डर हम घर बैठ अप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि आपस में बैठे और कानूने शहादत कोर्ट में ही कानूने शहादत अप्लाई होगा। बात ये एक सेट ये है, एक बात का ये सेट है, वो कहता है दो डिफरेंट सेंस बन रहे हैं। वो कहता है मेरे पास एक्स जमीन है वो वाई के कब्जे में, वाई कहता है मेरे पास जमीन उसकी है लेकिन वो जेड है, दो मुख्तलिफ बातें हैं। अब इसको जो प्रूव करना है इसको साबित करने के लिए एविडेंस की जरूरत है, इतना सा कंसेप्ट है, फर्दर नहीं जा। बात करते हैं आर्टिकल 108 की, एविडेंस एज टू मीनिंग ऑफ इलिजिबल करेक्टर इवन सॉरी एविडेंस मे बी गिवन टू शो द मीनिंग ऑफ इलिजिबल और नॉट कॉमनली इंटेलिजिबल करेक्टर्स ऑफ फॉरेन एब्सोल्यूट टेक्निकल लोकल एंड प्रोविंशियल एक्सप्रेशंस ऑफ एब्रीविएशन एंड वर्ड्स यूज्ड इन ए प्रीकोलरी सेंस। बात यह है वो अल्फाज वो करेक्टर जिनका मीनिंग मुख्तलफ हो या कोई फॉरन लैंग्वेज से यूज़ हुए हों या कोई टेक्निकल वर्ड्स यूज़ हुए हों तो उनको साबित करने के लिए शहादत दी जा सकती है। ठीक है, 109 यार अक्सर कुछ रोमन टर्म्स यूज़ हो जाती हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में, कुछ ऐसी टेक्निकल टर्म्स यूज़ हो जाती हैं तो उनको साबित करने के लिए कि इनका असल में मीनिंग क्या लेना चाह रहे हैं आप उसको साबित करना पड़ेगा। एब्रीविएशन वगैरह, अब जैसे कि लॉ में अक्सर ऐसी टर्म्स यूज होती हैं कि जिनको किसी और लॉ लैंग्वेज की होती हैं, कोई फॉरेन लैंग्वेज की होती हैं, कोई रोमन होती हैं, कोई लैटिन होती हैं, तो उनको एक्सप्लेन तो करना पड़ता है। सर जैसे वो सभा सब कह रहे थे एक्सएलआई मतलब 109 हु मे गिव एविडेंस ऑफ एग्रीमेंट वेयरिंग टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स पर्सन हु आर नॉट पार्टी टू इट डॉक्यूमेंट और देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट may give evidence of any facts standing to show a contemporaneous agreement varying the terms of document. बात यह है एक ऐसा agreement है, person who are not parties to a document, वो लोग जो एक document की party नहीं है, or their representative interest may give evidence of any facts standing to show a contemporaneous agreement varying the terms of the documents, यानी वो लोग जो एक डॉक्यूमेंट की पार्टीज ही नहीं और डॉक्यूमेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें तजाद आ रहा है, उसमें इश्यू आ रहा है, तो उन फैक्ट्स को मैनेज करने के लिए एविडेंस देने के लिए एविडेंस की ज़रूरत है। अगर वो एविडेंस देंगे तो वो भी उस पर भी एविडेंस दी जा सकती है जो मुआहदे को मुख्तरफ कर रही है या किसी कॉन्ट्रैक्ट को। उसके बाद है जी हमारे पास 10 सेविंग ऑफ 110 सेविंग ऑफ प्रोविजन ऑफ सक्सेशन एक्ट रिलेटिंग टू विल्स। अब जो सक्सेशन का एक्ट है वो अकॉर्डिंग टू सक्सेशन एक्ट के ही तहत अप्लाई होगा 1925 के तहत। उसके बाद बात करते हैं ऑन प्रो ऑफ चैप्टर ये सॉरी फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव, ये वो हैं वो फैक्ट्स हैं जिनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, फैक्ट्स विच नॉट नीड टू प्रूव, ये 111 से ऑनवर्ड स्टार्ट होते हैं। 111 नो फैक्ट ऑफ विच द कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस नीड टू बी प्रूव्ड, वो मामला जिन पर अदालत खुद नोटिस ले लेती है उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 112 ये बेसिकली तीन है, फैक्ट्स ऑफ विच कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस, द कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स all Pakistan laws, article of war for the armed forces, the course of proceeding of the central legislature and any
legislature established under any law for the time being in force in Pakistan, the seals of all the courts in Pakistan and of all courts out of Pakistan. उसके बाद the OK session to office name, title, function and signature of the person filing for the time being in public office in Pakistan. उसके बाद the existence title and national flag of every state of foreign recognition of the federal government, the division of time, the geographical division of the world. उसके बाद the territories under the dominion of Pakistan, the commencement, continuance and termination of the hostilities between Pakistan and any other state or body of persons. उसके बाद the names of members and officers of the court, the rule of the road on land or at sea in all cases referred in clause 1 and also on all matters of public history, literature, science or art, and the court may restore for its aid to appropriate books or documents of reference if the court is called upon by any person to take judicial notice of any fact. It may refuse to do so unless and until such person produce any such book or document as it may consider necessary to enable it to do so. बात ये है, वो तमाम judicial मामला जो अभी हमने पढ़े हैं, meaning आपको आता है, उनको साबित करने की ज़रूरत नहीं. 113. Facts admitted not need be proved. 113 क्या कहते हैं? Facts admitted need not be proved. जो चीज़ आप admit कर लेते हैं, उसको prove करने की ज़रूरत नहीं. इसको पढ़ लेते. No facts need be proved in any proceeding which the parties or their agents agree to admit at the hearing on which before the hearing they agree to admit by any writing under their hands or which by any rule or pleading in force at the time they are deemed to have admitted by their pleading. यानी वो हकायक वो मामलात जिनको कोई पार्टी या उनके एजेंट खुद मान लेते हैं किसी प्रोसीडिंग में किसी हेयरिंग में तो उसको फर्दर प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद बात करते हैं, नया टॉपिक है हमारे पास एस्टॉपल. ठीक है, ये मुझे याद है मेरी एक क्लास फेलो थी, हम ऐसे ही लाइब्रेरी में बैठे हुए थे तो मुझे पढ़ने का शौक नहीं था, उसको रिसर्च करने का बड़ा शौक था. वो माशाल्लाह हमारी ऐसी क्लास फेलो थी कि उसको हम भा कहते थे, भाजी. तो वो माशाल्लाह हेल्दी थी काफ़ी, तो सारों का वो बाजी थी और अल्लाह ताला उसको सलामत रखे. वो कभी ऐसा सीन भी नहीं हुआ, वो हमारे साथ ऐसे पार्टियां करनी जैसे फुल मैन है, भाई है, ब्रो है. तो बड़ा अच्छा टाइम गुजरा. हम बैठे हुए थे लाइब्रेरी में तो उसने मुझे इस पर, मैं कुछ अपने दलाइल दे रहा हूँ वो अपने दे रही है, तो फिर हम किसी मोड़ पर पहुँचे तो ये तब का स्टॉपल हमें याद. यानी अब तो पढ़ा पढ़ा की इतनी आदत हो गई है लेकिन ये स्टॉपल हमें तब से याद है, बाजी की तरफ से. स्टॉपल क्या है बेसिकली? स्टॉपल का मेन कंसेप्ट ये है कि जो जुडिशियल प्रोसीडिंग में आपने एक बात एक दफ़ा कह दी है कि इसको माने, इसको तस्लीम करें, इस पर अमल करें, बाद में उससे आप मुकर नहीं सकते. ठीक है, स्टॉपल का कंसेप्ट क्या है? वो बात जो ड्यूरिंग प्रोसीडिंग आपने किसी मामले के मुतालिक कह दी है कि इसको मानो, उसके बाद आप उससे फिर नहीं सकते, मुकर नहीं सकते. जो सर आपने बात मान ली है, जो कह दी है, जो चाहे मान ली है चाहे कह दी, सर ये कोर्ट प्रोसीडिंग में आ रहा है, ड्यूरिंग कोर्ट प्रोसीडिंग. बाद की तो प्रोसीडिंग को आप जब मर्जी मुकर जाए उसका तो वैल्यू ही नहीं है ना. जैसे सम टाइम होता है कि सर एक सबूत हम दे रहे हैं उसके अंदर हमारा विटनेस मान गया कि ये काम मैंने किया. मेरी बात सुन, एक चीज हम ये एविडेंस, लॉ ऑफ एविडेंस का भी यूज होगा. एक कॉमन सेंस की बात है कि ये ड्यूरिंग प्रोसीडिंग ही यूज होगा और कोर्ट की प्रोसीडिंग में यूज होगा. फर्दर तो हम बाहर बैठे तो इसको अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि कोई करेंगे भी तो कोई मानेगा नहीं. लेकिन जो कानून शहादत ऑर्डर है बेसिकली ये जुडिशियल हो, सॉरी सिविल हो, क्रिमिनल हो, एंटी टेररिज्म हो, एंटी नार्कोटैक्स लॉ हो, उसके बाद वो क्या कहते हैं, जितने भी बाकी लॉज हैं जो अप्लाई होते हैं उन सब में एविडेंस करवाने का जो मेथड है वो कानून शहादत ऑर्डर बताती है. यानी कानून शहादत ऑर्डर की जो भी बात एप्लीकेबल होगी वो ड्यूरिंग कोर्ट एप्लीकेबल होगी, बार वो उसका वो वजन नहीं है. यानी कि जो अदालत के सामने कह दिया बात उससे मुकर नहीं सकते, उससे मुकर नहीं सकते. अब इसको पढ़ते हैं. व्हेन वन पर्सन हैज बाय हिज डिक्लेरेशन एक्ट और ओमिशन इंटेंशनली कॉज और परमिटेड अनदर पर्सन टू बिलीव ए थिंग टू डू टू बी ट्रू एंड एक्ट अपॉन सच बिलीफ नीदर बिलीफ तक बढ़े. वो कहता है जब एक बंदा खुद अपने अमल से अपने अल्फाज से ये कह देता है किसी को कि इस चीज़ पर अमल करो
इस चीज को एडमिट करो, अमल करो और एडमिट करो कि ये ठीक है, ट्रू है। उसके बाद अगली पढ़ो अब, नीदर ही नॉर हिज रिप्रेजेंट, ना वो ना उसका कोई नुमाइंदा, शेल बी अलाउड इन एनी सूट और प्रोसीडिंग बिटवीन हिमसेल्फ एंड सच पर्सन और हिज रिप्रेजेंटेटिव टू डिनाई द ट्रूथ ऑफ दैट थिंग। यानी एक बंदा जब एक चीज के बारे में खुद अमल के साथ, अल्फाज के साथ ये कह देता है, यानी इसको हम जुडिशियल प्रोसीडिंग बुलाते हैं, जज के सामने या किसी कोर्ट के सामने ये कह देता है कि इस बयान को, इस स्टेटमेंट को माना जाए, तो बाद में वो बंदा खुद उस चीज से इनकार नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूं, बट साहब कहते हैं कि इमरान खान ठीक है, इस पर यकीन करो। अब उसके बाद भट्टी साहब खुद ही हमें नहीं कायल कर सकते। पहले तो इन्होंने हमें कायल किया कि इमरान खान ठीक है, उसके मामलात ठीक है, उसके बाद ये अब खुद कहेंगे या इनका कोई एजेंट कहेगा, तो अब हाँ इसकी बात को नहीं माना जाएगा। नहीं, आपकी पहली बात ठीक है, अब आप उससे भाग नहीं सकते। ठीक है, ये होता है स्टॉपर, यानी जो कह दिया उस पर स्टॉप लग जाता है, बस डन होगी। वो कहते हैं ना कि वो टीवी शो देखे हुए ना, वो कहते हैं आपका आंसर लॉक कर दें, जी कर दें। यहाँ पे आपने जो कह दिया वो आपकी बात कोर्ट प्रोसीडिंग में लॉक हो जानी। ठीक हो गया उमेर जी। स्टॉपल 114 पढ़ लिया, 115 पढ़ते। Estoppel of tenet and of licensee of person in possession. No tenet of immovable property or person claiming through such tenet shall during the continuance of the tenancy be permitted to deny that the landlord of such tenet had at the beginning of the tenancy and a title to such immovable property, and no person who came upon any immovable property by the license of the person in possession. बात यह है कि जब एक बंदा एक जमीन को किराए पर, ठेके पर ले रहा था, एक प्रॉपर्टी को, उसका जो उस वक्त का लैंडलॉर्ड, लैंड ओनर था, उससे इनकार नहीं कर सकता, चाहे बाद में वो किसी और को सेल हो ही जाए। ठीक है, जो पहला लैंड ओनर था, लैंडलॉर्ड था, उससे नहीं मुकरा जा सकता। फॉर एग्जांपल, मेरे से आप कोई प्लॉट लेते हैं, बाद में वो चाहे उसकी पोजेशन कहीं और चली ही जाए, लेकिन स्टार्ट कहाँ से, बिगनिंग में किसके पास था, मेरे पास। जो पहली बात है उससे आप मुकर नहीं सकते कि मैंने लिया कहां से, ये कहां से आया। ठीक है, बात दोबारा पढ़ो। लॉ को खाली मुझे नहीं ना सुनना, लॉ की लैंग्वेज को भी साथ कंसल्ट करना। दोबारा, एक किराएदार है, ठीक है, उसने सर एक मकान किराए पे ले लिया, ठीक है, उसके बाद सर क्या होता है, एक मकान है मेरा जी, आपने मुझसे लिया, अब जो मेरी वैल्यू है ना, उससे आप हमेशा इनकार नहीं कर सकते कि ये ले गया क्या, बिगनिंग के वक्त इसका मालिक कौन था। एक सौ सोलह, एस्टॉपल ऑफ एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बेली और लाइसेंसी। नो एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज शैल बी परमिटेड टू डिनाई दैट द ड्रायर एंड अथॉरिटी टू ड्रॉ सच बिल और टू एंडोर्स इट, नॉर शैल एनी बेली और लाइसेंसी बाय परमिटेड टू डिनाई दैट हिज बेलर और लाइसेंसर हैड एट द टाइम व्हेन द बेलमेंट और लाइसेंस कमेंस अथॉरिटी टू मेक सच बेलमेंट और ग्रांट सच लाइसेंस। बात यह है, एक बंदे ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिख कर दिया है किसी को, जिसको दे दिया है, वो कहता है इसने नहीं लिख के दिया, कैसे नहीं लिख के दिया, उसकी वैल्यू से वो मुकर नहीं सकता। ठीक है, जिसने जारी किया है वो उसी के ही रहेगा, बाद में चाहे जिसके पास मर्जी। बिल ऑफ एक्सचेंज है क्या, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, जबरदस्त। आपने बीइंग भट्टी, आपने भट्टी साहब किसी के लेन देन किया किसी के साथ, आप लेते हैं एक कंपनी से कुछ प्रोडक्ट, ठीक है, कंपनी को आप दे देते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज, आपके पास पैसे नहीं है, आप उसके साथ कहते हैं कि ये मैंने बिल दे दिया, इतने दिनों के बाद मैं पैसे दूंगा। बिल किसके पास चला गया, कंपनी के पास आपका। आपने कंपनी को आप देना है फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये, 10,000 कंपनी को देना है। अब कंपनी को जरूरत पड़ जाती है, आपने कंपनी के साथ मुआयदा किया हुआ 3 मंथ का। बिल ऑफ एक्सचेंज का असल में सीन क्या होता है, कंपनी के साथ आपने मुआयदा किया हुआ है 3 मंथ के बाद मैं 10,000 दूंगा, कंपनी को जरूरत पड़ती पहले, वो अब तीसरे बंदे के पास जाएंगे, एक्स के पास, इसको कहेंगे ये बिल आप ले लो, 3 महीने बाद भट्टी ने पैसे दे देने, आप इसकी हमें जरूरत है। वो फिर करेगा क्या, वो अपना कट रखेगा, वो 8,000 जो है वो कंपनी को दे देगा,
महीने बाद या दसम दिन बाद जब भी उसको जरूरत होगी, लेकिन जब तीन महीने पूरे होंगे तो वो भट्टी से पूरे 10,000 रिसीव करेगा। ये होती है बिल ऑफ चेंज की टर्म, जैसे ये शुगर मिलों में होता है, शुगर मिलों में होता है। अगर उनको पेमेंट ना टाइम पे मिले और दूसरी पार्टी को जल्दी चाहिए हो तो वो किसी और को बिल ऑफ चेंज भी दे सकते हैं। 117, ये बेसिकली जो कॉमर्स के बंदे हैं वो बड़ा इजीली इस टर्म को समझते हैं। मैंने भी बीकॉम किया हुआ है, उसके बाद एम इकोनॉमिक्स है, तो और बड़ी चीजें थी मजे। बर्डन ऑफ प्रूफ 117 से ऑनवर्ड हम पढ़ेंगे। Whoever desire any court to give judgment as to any legal right or liability depend on the existence of facts which the assert may must prove that those facts exist. When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on the that person. जब एक बंदा चाहता है कि मेरे मौकफ के मुताबिक जजमेंट पास हो, बर्डन ऑफ प्रूफ भी फिर उसी पर ही हो, ठीक है, प्रूफ करेगा। मैं कह, आप एक चीज लेके जाते हैं कोर्ट में कि ये मेरी है, इस पर जजमेंट पास की जाए, तो जज कहता है साबित करो। अच्छा सर, ये ऊपर क्या है, पार्ट 3 और प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, ये पार्ट 3 चैप्टर 9 है, पार्ट 3 है, इसके तीन पार्ट है, ऑफ द बर्डन ऑफ प्रूफ, ये चैप्टर 9 है। हाँ जी, ये चैप्टर का टाइटल है, नंबर 18। On who burden of proof lies? The burden of proof in a suit or proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side. Burden of proof उस पर आएगा according to article 18 118 के तहत जो उसको प्रूव करने में फेल हो गया। यानी बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज इन ए सूट और प्रोसीडिंग लाइज ऑन दैट पर्सन हु वुड फेल इफ नो एविडेंस एट ऑल वर गिवन ऑन ईदर साइड। मैंने दावा किया कि ये किताब मेरी है, आपकी तरफ से कोई शहादत नहीं आई, मेरी तरफ से फर्दर कोई शहादत नहीं आई, दावा किसने किया, मैंने, साबित भी अब किसको करना, मुझे। 119 Burden of proof as to particular fact. The burden of proof as to any particular fact lies on that person who wishes the court to believe in its existence, unless it is provided by any law that the proof of that fact shall lie on any particular person. आप चाहते हैं कि आप किसी खास नुक्ते, किसी खास पॉइंट, किसी लॉ की खास सेंस पर कोई जजमेंट चाहें, तो उसको साबित करने का जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो आप पर ही है, ठीक है। 120 बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव टू मेक एविडेंस एडमिसिबल। द बर्डन ऑफ प्रूविंग एनी फैक्ट नेसेसरी टू बी प्रूव्ड इन ऑर्डर टू एनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ एनी अदर फैक्ट इज ऑन देयर ऑन द पर्सन हु विशेस टू गिव सच एविडेंस। आर्टिकल 120 है, बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव टू मेक एविडेंस एडमिसिबल। द बर्डन ऑफ प्रूविंग एनी फैक्ट नेसेसरी टू बी प्रूव्ड इन ऑर्डर टू एनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ एनी अदर फैक्ट इज ऑन द पर्सन हु विशेस टू गिव सच एविडेंस। एक बंदा कोई और एविडेंस देना चाहता है किसी चीज को प्रूव करने के लिए, तो उनको साबित करने की जिम्मेदारी भी उसी बंदे पर है। इसमें जो जो बंदा जो जो चीज करता जाएगा, बर्डन ऑफ प्रूफ उधर उधर जाता जाएगा। 121 Burden of proving that case of accused comes within exceptions. When a person is accused of any offense, the burden of proving the existence of circumstances bringing the case within any of the general exception in the Pakistan Penal Code or within any special exception or proviso contained in any other part of the same code or in any law defining the offense is upon him, and the court shall presume the absence of such circumstances. बात ये है कि अगर एक बंदा ये प्रज्यूम करता है कि ये जो मैंने ऑफेंस किया है ये जनरल एक्सेप्शन में आता है, ये ऑफेंस नहीं है, इस पर लॉ मुझे एक्सेप्शन देता है या एग्जम्पशन देता है, तो लॉ ये कहता है कि अगर आपको एग्जम्पशन है इसके तहत तो
तो आप प्रूव करेंगे कैसे एग्जम्पशन। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा ड्यूरिंग ड्यूटी, एक्सेप्शन क्या होती है, एक बंदा ड्यूरिंग ड्यूटी किसी को मार देता है तो वो कहता है जी मैं तो ड्यूटी कर रहा था तो इसने इंटरफेयर किया तो इसने मुझ पर अटैक किया है, लिहाजा ये मेरे पर कत्ल नहीं बनता, मैं तो अपने फर्ज अंजाम दे रहा था। लोग कहता है कैसे फर्ज अंजाम दे रहे थे, साबित करो। इसी तरह एक बंदा कहता है जी ये मुझे मार रहे थे, मैंने इसको सेल्फ डिफेंस में मारा है, तो अगर सेल्फ डिफेंस में मारा है तो उसको प्रूव करो। यानी जो आपने प्ली लेनी है या जो चीज एडमिट करना है कि ये एक्सेप्शन में आता है, उस एक्सेप्शन को फिर अकॉर्डिंग टू लॉ आपने प्रूव भी करना है। Burden of proving facts, especially within knowledge, when any fact is especially within the knowledge of any person, the burden of proving that fact is upon him. बात ये है, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा fact जिसको एक बंदा सिर्फ जानता है, कोई खास पॉइंट है, कोई खास टर्म है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी पर है। फॉर एग्जाम्पल आप रेलवे का सफर कर रहे हैं, आप कहते हैं जी मेरे पास टिकट था, मुझे जुर्माना हुआ, जब था तो फिर प्रूव करते, स्पेशल नॉलेज तो आपको ही है कि वो था भी कि नहीं, ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ ऑफ पर्सन नोन टू हैव बीन अलाइव विद इन 30 ईयर ओल्ड 23। बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ ऑफ पर्सन नोज टू नॉट टू हैव बीन अलाइव विद इन 30 ईयर सब्जेक्ट टू आर्टिकल 124 When the question is whether a man is alive or dead and it is shown that he was alive within 30 years, the burden of proving that he is dead is on the person who affirmed it. बात यह है, एक बंदा कहता है कि 30 साल पहले फलां बंदा मर गया था, कि मैंने उसको 30 साल से नहीं देखा, कि ये मर गया है या जिंदा है, मसला ये आ गया किसी बंदे के बारे में। तो लॉ कहता है जो उसके बारे में अफर्म कर रहा है, जो उसके बारे में राय दे रहा है कि ये मर गया है, साबित भी वही करेगा, भाई कैसे मर गया, उसकी कोई एविडेंस दो, कोई सबूत दो। 124 बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट पर्सन इज अलाइव और हैज नॉट बीन हर्ड ऑफ फॉर 7 ईयर, जब एक बंदा 7 साल से सुनाई नहीं दिया गया। व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर ए मैन इज अलाइव और डेड, जब एक बंदे के मुतालिक ये सवाल आ जाए कि ये जिंदा भी है या मर गया है, एंड इट इज proved that he has not been heard of for 7 years by those who would naturally have heard of him, he had been alive. The burden of proving that he is alive is shifted to the person who affirms it. एक बंदा 7 साल की उसकी खबर ही नहीं है जिंदा या मुर्दा है, और एक बंदा कहता है जी मैंने उसको देखा है, जो ये अफर्म कर रहा है कि मैंने उसको देखा है, तो वो फिर प्रूव करेगा कहाँ देखा है, किधर देखा है, बताओ फिर। मतलब कि एक बंदा वो गायब हो जाता है 7 साल बाद, उसकी बीवी निकाह कर सकती है सर? वो तो इस्लामिक टर्म है ना बट साहब, इधर इसको लंबा ना करे, सिंपल सी बात है। 125 द बर्डन ऑफ प्रूफ हैज टू रिलेशनशिप इन द केस ऑफ पार्टनर्स लैंडलॉर्ड एंड टीनेट्स प्रिंसिपल एंड एजेंट व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर पर्सन आर पार्टनर्स लैंडलॉर्ड एंड टीनेट और प्रिंसिपल एंड एजेंट एंड इट हैज बीन शोन दैट दे हैव बीन acting as such, the burden of proving that they do not stand or have ceased to stand to each other in those relationships respectively is on the person who affirmed it. बात यह है कि जब दो लोगों के दरमियान ये रिलेशन आ जाए कि ये आपका पार्टनर है या नहीं है, ये आपका मालिक है या नहीं है, या ये आपका ठेकेदार है या नहीं है, तो जो कहेगा कि मेरा इसके साथ ये रिलेशन है वो उसको साबित करेगा। कैसे साबित करेगा? फॉर एग्जाम्पल ए और बी का आपस में बिजनेस है, ए और बी का आपस में बिजनेस है, जब पार्टनर या लैंडलॉर्ड की बात आएगी तो जो कहेगा कि मैं इसका हिस्सेदार हूं वो फिर साबित करेगा कि क्या आपके अंदर लेन देन होता रहे, जो कहेगा कि ये मेरा मालिक है मैं इसका किराएदार हूं तो फिर उसको साबित करना पड़ेगा तुम आपस में मालिक और किराएदार कैसे हो। कोई कहता है कि मैं इसका एजेंट हूँ ये मेरा ऑनर है तो उसको भी साबित करना पड़ेगा कि इन में आपस में ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी जो जिस ताल्लुक को जिस रिलेशन को दूसरे के साथ क्लेम करेगा वो उसको प्रूव करेगा। 126 बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ऑनरशिप व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर एनी पर्सन इज ऑनर ऑफ एनी थिंग ऑफ विच ही इज शोन टू बी इन पोजेशन
द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही इज नॉट द ओनर इज ऑन पर्सन हु अफर्म दैट ही इज नॉट द ओनर. बात क्या है, एक बंदा कहता है मैं इस मकान का ओनर हूं, दूसरा कहता है नहीं है. जो कहता है ना नहीं है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 26 बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर है. कैसे है, ये एक मकान है, ठीक है, ये मकान है, ये मकान भी मेरा है मैं कहता हूं, और कब्जा भी मेरे पास है. जब कब्जा भी मेरे पास है, मकान भी मेरे पास है, हर चीज मेरे पास है. अब ये ए उठकर कहता है जी नहीं ये मकान इसका नहीं है. अब ये साबित करके फिर कैसे नहीं है, उसको प्रूव करना पड़ेगा. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 27 प्रूफ ऑफ गुड फेथ इन ट्रांजैक्शन व्हेन वन पार्टी इज इन रिलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस व्हेन देयर इज ए क्वेश्चन एज टू द गुड फेथ ऑफ ए ट्रांजैक्शन बिटवीन पार्टीज वन ऑफ होम स्टैंड टू द अदर इन ए पोजिशन ऑफ active confidence the burden of proving the good faith of the transaction is on the party who is in a position of active confidence. aap kehte hain ki mera kisi ke sath acha taluk hai, fulan ke sath taluk hai, kisi ke bhi sath apne relation ko claim karte hain aap, to fir aap sabit bhi karenge kaisa relation zahir kare us taluk ko, theek hai. 28 intahai important article hai. बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी. एक बच्चे की पैदाइश दौरान शादी होना उसकी जायज होने की सबसे बड़ी तस्दीक, ठीक है, लेजिटिमेसी जायज होना, ठीक है, वैलिड होना. द फैक्ट दैट द एनी पर्सन वॉज बर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ ए वैलिड मैरिज बिटवीन हिज मदर एंड एनी मैन एंड नॉट अर्लियर देन द एक्सपायरेशन ऑफ 6 lunar months from the date of the marriage or within 2 years after its dissolution the mother remaining unmarried shall be conclusive proof that he is the legitimate child of that man only. बात ये है, एक बच्चा पैदा होता है 6 lunar month में, ठीक है, या औरत और मर्द की शादी हुई 6 महीने गुजरे हैं, ठीक है, लूनर मंथ उनको कहते हैं जो ख्वातीन की फिक्स मंथ होते हैं, उनको लूनर मंथ कहते हैं. तो उन 6 महीने के बाद अगर बच्चा पैदा हुआ है तो वो लॉ कहता है कि उनकी शादी भी अभी इंटैक्ट है तो वो बच्चा क्या है, जायज है, लेजिटिमेट है. उसके बाद कहते हैं औरत और मर्द की डाइवोर्स हो गई है, डाइवोर्स होने के बाद 2 साल बाद बच्चा पैदा हो रहा है और अभी तक औरत ने शादी नहीं की तो वो बच्चा भी लेजिटिमेट है. उसके बाद है जी अनलेस द हस्बैंड हैड रिफ्यूज्ड और रिफ्यूज्ड टू ऑन द चाइल्ड. अगर हस्बैंड इनकार कर देता है तो फिर और बात है, फिर साबित करना पड़ेगा, ठीक है. नंबर बी द चाइल्ड वाज बर्न आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 6 लूनर मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच द वुमन हैड एक्सेप्टेड दैट द पीरियड ऑफ इद्दत एंड हैड कम टू एन एंड. फिर भी अगर इद्दत के गुजरने के बाद बच्चा आता है तो उसके बाद नथिंग कंटेनिंग आर्टिकल 129 की, यानी ये इस चैप्टर का लास्ट आर्टिकल है. कोर्ट में प्रज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टन फैक्ट, यानी ये आर्टिकल की डेफिनेशन क्या है कि कोर्ट कुछ सर्टन फैक्ट्स को प्रज्यूम कर सकती है. द कोर्ट में प्रज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट्स विच इट थिंक्स लाइकली टू हैव हैपेंड, ये हो सकते हैं, रिगार्ड बीइंग हैड टू कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट्स ह्यूमन कंडक्ट एंड पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस इन देयर रिलेशन टू द फैक्ट्स ऑफ द पर्टिकुलर केस. यानी कोर्ट कुछ ऐसे मामलात, ऐसे वाकयात, ऐसे रूटीन को, ऐसी इंसानी कैफियत को, ऐसी सरकारी गैर सरकारी मामलात को, रूटीन को प्रज़ूम कर सकती, कैसे हो सकता. अब बात करते हैं एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, चैप्टर 10 है हमारे पास. क्या है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, ये आर्टिकल 30 से स्टार्ट होता है. ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस,
द ऑर्डर इन विच विटनेस आर प्रोड्यूस्ड एंड एग्जामिन्ड शैल बी रेगुलेटेड बाय द लॉ एंड प्रैक्टिस फॉर द टाइम बीइंग रिलेटिंग टू सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर respectively and in the absence of any such law by the discretion of the court. यानी कोई भी गवाह है उसको जब evidence के लिए बुलाया जाएगा तो ये court का काम है और वो procedure adopt होगा जो उस case की नुईयत होगी. अगर कोई civil case है तो उसको बुलाने का जो method है वो civil apply होगा, अगर जो criminal case है तो उसको बुलाने का method है criminal apply होगा, according to case होगा. बात करते हैं 31 जज टू डिसाइड एज द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस व्हेन ईदर पार्टी प्रोसेस टू गिव एविडेंस ऑफ एनी फैक्ट द जज मे आस्क द पार्टी प्रपोजिंग टू गिव द एविडेंस इन व्हाट मैनर द अलेज्ड फैक्ट इफ प्रूव्ड वुड बी रेलेवेंट एंड द जज शैल एडमिट द एविडेंस इफ ही थिंक्स दैट द फैक्ट इफ प्रूव्ड वुड बी रेलेवेंट एंड नॉट अदरवाइज. बात यह है ड्यूरिंग केस जब शहादत हो रही होगी तो जज दोनों से पूछ भी सकता है और उसके अलावा जज डिसाइड करेगा कितनी बात एडमिट करनी और कितनी नहीं. अच्छा जी. इन फैक्ट प्रपोज टू बी प्रूव्ड इज वन ऑफ विच एविडेंस इज एडमिसिबल ओनली अपॉन प्रूफ ऑफ सम अदर फैक्ट्स सच लास्ट मेंशन फैक्ट मस्ट बी प्रूव्ड बिफोर एविडेंस इज गिवन ऑफ द फैक्ट फर्स्ट मेंशन अनलेस द पार्टी अंडरटेक्स टू गिव प्रूफ ऑफ सच फैक्ट्स and the court is satisfied with such undertaking if the relevancy of one alleged fact depends on and upon another alleged facts being first proved. The judge may in his discretion either permit evidence on the first fact to be given before the second fact is proved or require evidence to be given of the second fact before evidence is given of the first fact. बात ये है जो जज है जब एक चीज पर एविडेंस दी जाएगी तो वो पहले कहेगा कि आप जिस फैक्ट के सहारे पर एविडेंस दे रहे हैं पहले उसको प्रूव करें, या जो आप फर्स्ट फैक्ट की बात कर रहे हैं जिसके बिहाफ पर सेकंड फैक्ट की एविडेंस दे रहे हैं पहले फर्स्ट फैक्ट पर एविडेंस दें. इसमें बाज़ दफ़ा जज फर्स्ट की एविडेंस एक्सेप्ट करे या ना करे लेकिन बाद में कह सकता है सेकंड को प्रूव करे जिसके जरिए आप दूसरा प्रूव कर रहे हैं. तो बात करते हैं 132 की, इंतहाई इंपॉर्टेंट है. Examination in chief. Examination of a witness by the party who calls him shall be called in his examination in chief. Examination chief होता है इब्तदाई सवालात. यानी मैंने केस किया, मैं जो अपने गवाहान को बुलाऊंगा उन पर मैं सवालात करूंगा तो वो examination in chief होंगे. ठीक है. अपनी evidence जो record करवाऊंगा अपने witnesses की वो होंगे examination in chief. The examination of a witness by the adverse party shall be called his cross examination. जो दूसरी पार्टी उन गवाहान पर सवाल करेगी वो कौन से होंगे, क्रॉस एग्जामिन होंगे. नंबर तीन, the examination of a witness subsequent to the cross examination by party who called him shall be called his re-examination. पहले क्या हुआ, एग्जामिनेशन हुआ फिर उस पर दूसरी पार्टी ने क्रॉस किया, उसके उसमें अगर कोई नई बातें निकली हैं तो उस पर फिर री एग्जामिनेशन हो सकता है. नंबर 33, order of examination. Witness shall be first examined in chief, then if the adverse party so desire cross examine, then if the party calling him so desire re-examination. 133 कहता है पहले examination in chief, फिर अगर दूसरी पार्टी चाहती तो वो क्रॉस करेगी, क्रॉस के बाद अगर पहली पार्टी फिर चाहेगी तो वो अपने ही गवाह पर re-examination कर सकती है. नंबर 2 इसी का, examination and cross examination must relate to relevant facts, but cross examination need not to be confined by the facts which the witness testified on examination in chief. यानी जो examination होगा वो relevant facts के मुतालक होगा, लेकिन cross के मुतालक जो adverse party का वकील होगा वो bound नहीं होगा कि वो सिर्फ facts तक की बात करे. ठीक है. उसके बाद number 3, the re-examination shall be directed to explanation of the matters referred in cross examination, and if new matter is to be permission of the court introduced in re-examination, the adverse party may further cross examination that matter. पहले हुआ चीफ, फिर हुआ क्रॉस, उसके बाद री एग्जामिनेशन हुआ. री एग्जामिनेशन में अगर कोई नई बातें कोर्ट की इजाजत से ऐड होती हैं तो जो दूसरी पार्टी है वो फिर री क्रॉस करेगी. ठीक है. सिंपल सी बातें इधर उधर. 134,
यही एविडेंस होता है सारा। क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन कॉल्ड टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट, ए पर्सन समन टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट डज नॉट बिकम ए विटनेस बाय द मेयर फैक्ट दैट ही प्रोड्यूस इट एंड कैन नॉट बी क्रॉस एग्जामिन अनलेस एंड अंटिल ही इज कॉल्ड एज ए विटनेस। यानी उस बंदे पर क्रॉस करना, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन कॉल्ड टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट, एक बंदे को नोटिस हुए, नोटिस किस लिए हुए, प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट अब वो बंदा एज ए विटनेस कॉल नहीं हुआ, उसको डॉक्यूमेंट बुलाने के लिए देने के लिए सिर्फ बुलाया गया। जिसको विटनेस बतौर विटनेस नहीं बुलाया गया, आप उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। Cannot be crossed unless and until he is called as a witness. जब तक उसको बतौर गवाह ना बुलाया जाएगा तब तक आप उस पर सवाल नहीं कर सकते। हम मुझे कहते हैं जी इस केस में डॉक्यूमेंट दे, डॉक्यूमेंट तो चले गए, मुझे आप सवाल नहीं कर सकते क्योंकि मैं गवाह बन के नहीं गया, मुझे सिर्फ कागज देने के लिए कहा, ठीक है। yes. जो बंदा केस का विटनेस होगा उस पर सवाल आते होंगे। बस 135 करेक्टर टू विटनेस करेक्टर में बी क्रॉस एग्जामिन एंड री एग्जामिन। जो गवाह है उसका चाल चलन करेक्टर भी डिस्कस होगा, एग्जामिन भी होगा, क्रॉस एग्जामिन भी होगा। लीडिंग क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर विच द पर्सन पुटिंग इन विशेज और एक्सपेक्ट टू रिसीव इज कॉल्ड ए लीडिंग क्वेश्चन। यानी वो सवाल करना कि जिसका जवाब सवाल के ही जरिए निकल आए उसको कहते हैं लीडिंग क्वेश्चन, इशारतन सवाल जिसको कहते हैं। तो जो ऐसे सवाल आते हैं उनको क्या कहते हैं, लीडिंग क्वेश्चन। और नंबर 37 है, व्हेन लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट बी आस्क्ड, लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट इफ ऑब्जेक्ट बाय द एडवर्स पार्टी बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ और इन री एग्जामिनेशन एक्सेप्ट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। यानी जो लीडिंग क्वेश्चन है वो एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जा सकते। द कोर्ट शैल परमिट लीडिंग क्वेश्चन एज टू मैटर विच आर इंट्रोडक्टरी और अनडिस्प्यूटेड और विच हैव इन इट्स ओपिनियन हैव बीन ऑलरेडी सफिशिएंट प्रूव्ड, यानी कि जो चीज़ें ऑलरेडी प्रूव हो चुकी हैं उसके लिए। उसके बाद 138, व्हेन लीडिंग क्वेश्चन मे बी आस्क्ड, 137 क्या कहते हैं, व्हेन लीडिंग क्वेश्चन मे नॉट आस्क, 138 कहता है जब आस्क, जब वो पूछ सकता है। लीडिंग क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, सिंपल सी बात। मैंने आपको कहा था कि मसला ही कोई 139, evidence as to matter in writing, any evidence, any witness may be asked while is under examination whether on any contract, grant or other disposition of property as to which he is giving evidence was not contained in a document and if he says that it was or it was, it if he is about to make any statement as to the contents of any document which in the opinion of the court ought to be produced, the adverse party may object to such evidence being given until such document is produced or until facts have been proved which entitle the party who called the witness to give secondary evidence of it। बात यह है कि अगर कोई चीज़ एज एविडेंस के तौर पर पेश की गई है और जिस पर बात की जा रही है वो मौजूद नहीं है तो लॉ ये कहता है कि दूसरी पार्टी उस पर ऑब्जेक्शन कर सकती है कि ये पहले डॉक्यूमेंट तो इसका दिखाओ जिस पर बात कर रहे हो, ठीक है। तो उन अतराजात को देखते हुए जो मौजूद नहीं है वो जब उसकी कॉपी भी पेश की जा सकती है अगर उस पर बात करनी है तो। उसके बाद बात करते हैं 140 की, अगर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ पास ना हो तो मतलब और बात नहीं हो सकती उस पर, जिस पर बात कर रहे हैं वो कहते हैं दिखाओ कहाँ पे, आप कोई चीज़ कहते हैं ये जी ऐसे ऐसे हुआ है, आगे मैं ही दूसरा लॉयर खड़ा हूँ मैं कहता हूँ वो दिखाओ किधर है, तो बात कैसे कर पाएंगे उस पर, जुबानी बातें तो नहीं ना सारी मानी जाए। वो कहते हैं हमें हवा में छोड़ी जा रहे हो, कोई चीज़ है तो दिखाओ, ओरिजिनल नहीं तो कॉपी दे, कॉपी दे दें लेकिन कोई दिखाए तो सही। क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट राइटिंग, ए विटनेस मे बी क्रॉस एग्जामिन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट मेड बाय हिम इन राइटिंग और रिड्यूस इन टू राइटिंग एंड रेलिवेंट टू मैटर इन क्वेश्चन विदाउट सच राइटिंग बीइंग शोन टू हिम और बीइंग अप्रूव्ड बट इट इज इंटेंडेड टू कॉन्ट्राडिक्ट हिम by the writing his intention must before the writing can be proved be called the those part of it which are to be used for the purpose of contradicting him। बात ये एक बंदे ने जो अपनी स्टेटमेंट इन रिटर्न दी हुई है पहले
उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है। और क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मकसद क्या होता है? उसको उससे मुनहरफ करवाना या उससे उसका कोई मुखालफ बयान लेना, इंटेंट टू कॉन्ट्राडिक्ट। आप चाह रहे हैं कि वो थोड़ा सा उससे कोई और बयान दे ताकि आपके फायदे में जाए कि पहले ये कह रहा था, अब इस क्रॉस में ये कह रहा है। हम क्रॉस होता किस लिए? उसको उस बात से हटवाना। 141 क्वेश्चन लॉफुल इन क्रॉस एग्जाम व्हेन एवर विटनेस इन क्रॉस एग्जाम ही मे इन एडिशन टू द क्वेश्चन हियर इन बिफोर रेफर टू बी आस्क एनी क्वेश्चन व्हिच टेंड इट इज हिज वर्सिटी डिस्कवर हु इज एंड व्हाट इज हिज पोजीशन इन लाइफ और टू शेक हिज क्रेडिट बाय इंजरी हिज कैरेक्टर ऑल्दो द आंसर टू सच क्वेश्चंस might tend directly or indirectly to criminate him or might expose or tend directly or indirectly to expose him to a penalty or forfeiture. बात यह है, आप ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन एक तो रीजनेबल सवालात करेंगे, हाँ उसके करेक्टर के मुतल्लिक, उसके मामलात के मुतल्लिक, इतना कि ये गवाही देने के काबिल है भी या नहीं है, या इसकी हैसियत क्या है बतौर गवाह, गवाही देने के मामलात में। 142 when witness to be compelled to answer if any such question relate to a matter relevant to the suit or proceeding the provision of article 15 shall apply thereto. article 15 kya kehta hai? incriminate question 115 kya kehta hai? he is bound to answer, yani jab ek cheez direct suit kar rahi ho aur relate kar rahi ho to wo banda bound hai answer dene ke liye. ये जिसका भी मोबाइल बज रहा है वो पकड़ ले इसको। 143 है कोर्ट टू डिसाइड व्हेन क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड एंड व्हेन विटनेस कंपेल्ड टू आंसर इफ एनी सच क्वेश्चन रिलेट टू ए मैटर नॉट रेलेवेंट टू द सूट और प्रोसीडिंग एक्सेप्ट इन सो फार एज इट्स अफेक्ट द क्रेडिट ऑफ द विटनेस बाय इंजरी हिज कैरेक्टर द कोर्ट शैल डिसाइड वेदर और नॉट द विटनेस शैल बी कंपेल्ड टू आंसर इट एंड मे इट थिंक्स फिट वार्न द विटनेस दैट ही इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू आंसर इट इन एक्सरसाइजिंग इट्स डिस्क्रिशन द कोर्ट शेल हैव रिगार्ड टू द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन। बात यह है और कोर्ट डिसाइड करेगी जब आप एक्स्ट्रा सवालात पूछे जाएं पूछ रहे होंगे उसके करेक्टर पर पूछ रहे होंगे या फैक्ट से हटकर सवाल पूछ रहे होंगे तो कोर्ट डिसाइड करेगी इन सवालात के लिए गवाह को कंपेल करना है फोर्स करना है या नहीं करना। उसके बाद बात करते हैं 144 की क्वेश्चन नॉट बी आस्क विदाउट रीजनेबल ग्राउंड नो क्वेश्चन एज इन referred in article 143 or to be asked unless the person asked it has reasonable ground for thinking that the imputation which it conveys is well founded. yani aap bina wajah ke question nahi puch sakte. 145 procedure of court in case of question being asked without reasonable ground if the court is of opinion that any such question was asked without reasonable ground it may if it was asked by any advocate report the circumstances of the case to high court or other authority to which such advocate is subject in the exercise of his profession. बात यह है अगर एक क्वेश्चन बगैर किसी वजह से पूछा गया बगैर किसी ग्राउंड के पूछा गया तो उस पर एतराजात उठाया जा सकता है और उसके मुतालिक हाई कोर्ट को भी एतराजात लिख के भेजे जा सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है ये बगैर रीजन के उठाया गया है तो इसको देखें कि ये इसने क्यों अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में किया प्रोफेशनल कैपेसिटी में किया। 146 प्रोसीजर ऑफ कोर्ट इनडिसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चन इनडिसेंट गैर शाइस्तगाना सवाल फजूल सवाल या जो दंगा करने वाले दंगा मतलब एवं स्कैंडल बनाने वाले सवाल हो द कोर्ट में फॉरबिड का मतलब होता है मना करना The court may forbid any question or inquiries which is regarded as indecent or scandalous, although such question and inquiry may have some bearing on the question before the court, unless they relate to fact in issue or to matter necessary to be known in order to determine what whether or not the facts in issue exist. बात ये है, वो question जो scandalous हो, indecent हो, court उनको forbid कर सकती है, मना कर सकती है। हाँ, अगर वो direct matter ही के साथ relate कर ले हो, direct केस के साथ रिलेट कर रहे हो तो फिर कोई बात नहीं। 147 प्रोसीजर ऑफ कोर्ट इन केसेस ऑफ डेफामेशन लाइबल एंड स्लैंडर व्हेन
person is prosecuted or used for making on publishing or imputation of a defamatory, libelous or slanderous nature in the court shall not, before it has reduced, recorded its finding on the issue whether such finding person did make or publish such imputation and whether such imputation is true, permit any question to be put to any witness for the purpose of injury the character of the person in respect of whom such imputation as or is alleged to have been made or any other person. बात यह है, अगर किसी के खिलाफ हद के इज्जत का केस है, डेफामेटरी केस है, इससे पहले कि कोर्ट उसके खिलाफ कोई फाइंडिंग दे, कोई जजमेंट पास करे, पहले कोर्ट उस सारे मामले की इंस्पेक्शन करेगी कि आया इसने कोई पब्लिकेशन की भी है, कोई इसने इसकी हद की इज्जत की भी है या नहीं, सारे को मैटर को देखने के बाद उस पर फर्स्ट फैसला देगी. 148 क्वेश्चन इंटेंट टू इंसल्ट और अनॉय द कोर्ट शैल फॉरबिड एनी क्वेश्चन व्हिच अपीयर टू इट टू बी इंटेंट और टू इंसल्ट और अनॉय और व्हिच थॉट प्रॉपर इन इटसेल्फ अपीयर टू द कोर्ट नीडलेसली ऑफेंसिव इन फॉर्म. यानी वो क्वेश्चन जिसका मकसद जस्ट और जस्ट दूसरे गवाह को तंग करना हो, उसको मना कर सकती है अदालत, ऐसा सवाल आपने कर सकते. 149 एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू कॉन्ट्रैक्ट आंसर टू क्वेश्चन टेस्टिंग वर्सिटी व्हेन ए विटनेस हैज बीन आस्क्ड एंड हैज आंसर्ड एनी क्वेश्चन व्हिच इज रेलेवेंट टू द इंक्वायरी ओनली इन सो फार एज इट टेंड्स टू शेक हिज क्रेडिट बाय इंजरी हिज कैरेक्टर नो एविडेंस शैल बी गिवन टू कॉन्ट्राडिक्ट हिम बट If he answer falsely, he may afterward be charged with giving false evidence. जब केस के दौरान कोई चीज़ खलल पैदा करने के लिए उसके करेक्टर पर सवालात किए जाएंगे कि और इसको चेक किया जाए, अगर वो झूठी कोई बात ऐसी करता है जो क्वेश्चंस और फैक्ट के मुतालिक नहीं होती, तो उस झूठी गवाही देने के बदले में उसको चार्ज भी किया जा सकता है, उसको सजा भी दी जा सकती है. 150 क्वेश्चन बाई पार्टी टू हिज ऑन विटनेस, इसको हॉस्टाइल विटनेस लिख लो. द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन परमिट द पर्सन हु कॉल्स ए विटनेस टू पुट एनी क्वेश्चन टू हिम व्हिच माइट बी पुट इन क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द एडवर्स पार्टी. यानी आप अपने गवाह से वो सवाल करें जो कि बेसिकली पूछने किसने है, दूसरी पार्टी के वकील ने पूछने हैं, तो वो बेसिकली आप कर क्या रहते हैं, उसको हॉस्टाइल करवा रहे होते हैं, उससे मुकरवा रहे होते हैं फिर कि वो मुकर जाए या फिर जाए अपनी बात से. 151 इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस, द क्रेडिट ऑफ ए विटनेस मे बी इम्पीच इन द फॉलोइंग वेज बाय द एडवर्स पार्टी ऑन विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट बाय द पार्टी हु कॉल्ड हिम. यानी इसमें बेसिक इम्पीच का मतलब क्या होता है, उसको टेस्ट कर रहे होते हैं कि ये बंदा बात ठीक भी कर रहा है या नहीं कर रहा, और ये सारे मामला अदालत की मर्जी से होते हैं. By the evidence of person who testified that they from their knowledge of the witness believe him to be unworthy of credit by proof of that the witness has been bribed और उसके बाद the proof of former statement inconsistent with any part of his evidence. उसके बाद when a man is prosecuted for rape or an attempt to ravish. बात यह उससे ये पूछा जाएगा, आपने आपका character ठीक है फला फला, आपने कभी रिश्वत तो नहीं ली इस मामलात को करने के लिए. उसके बाद वो उसको ये कहेगा कि ये जरा कुछ मामलात में इन्वॉल्व किया है, या जो भी वो सारी उल्ट उल्ट चीज़ें उससे पूछेगा, क्या ये बात का पक्का भी है कि नहीं. 152 क्वेश्चन लैंडिंग टू कॉरोबरेट एविडेंस ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स एडमिसिबल व्हेन ए विटनेस होम इट इज इंटेंट टू कॉरोबरेट गिव्स एविडेंस ऑफ एनी रेलेवेंट फैक्ट He may be questioned as to any other circumstances which he observed at or near to the time or place at which such relevant fact occurred in if the court is of opinion that the circumstances that such circumstances it if proved would corroborate the testimony of the witness as to the relevant fact which he testifies. बात यह है कि जो बंदा किसी मैटर के मुतालिक गवाही दे रहा है उसकी गवाही उसके साथ क्रोबरेट भी करती है, यानी क्रोबरेट का मतलब है रिलेट भी कर रही है उस फैक्ट के साथ, उस केस के साथ कि नहीं, या इसकी गवाही कबूल करनी चाहिए भी कि नहीं. 53 फॉर्मर स्टेटमेंट ऑफ विटनेस मे बी प्रूव टू क्रोबरेट लेटर टेस्टिमनी एज टू सेम फैक्ट इन ऑर्डर टू क्रोबरेट द टेस्टिमनी ऑफ द विटनेस एनी फॉर्मर स्टेटमेंट. फॉर्मर मतलब पिछली स्टेटमेंट. फॉर्मर स्टेटमेंट मेड बाई सच विटनेस relating to the same fact at or about the time when the fact took place or before any authority legally competent to investigate the fact may be proved. यानी वो जो
फॉर्मर स्टेटमेंट है उसको उसके साथ रिलेट किया जाना चाहिए कि जो पीछे उसने स्टेटमेंट सबका उसका बयान है वो इस वाले बयान के साथ मुवासलत रखता है या नहीं। 54 व्हाट मैटर मे बी प्रूव्ड इन कनेक्शन विद प्रूव्ड स्टेटमेंट रेलेवेंट अंडर आर्टिकल 47 or 46 व्हेनेवर एनी स्टेटमेंट रेलेवेंट अंडर आर्टिकल 47 or 46 इज प्रूव्ड ऑल मैटर मे बी प्रूव्ड इधर इन ऑर्डर टू कॉन्ट्राडिक्ट और कॉर्बोरेट इट or in order to impeach or confirm the credit of the person by whom it was made, which might have been proved if that person had been called as a witness and the denied upon cross-examination the truth of the matter suggested. यानी बात ये है, एक बंदा कोई बयान देता है, कोई स्टेटमेंट देता है, तो वो देखा जाएगा कि ये उससे तजाद तो नहीं कर रहे, ये उससे कंट्राडिक्ट तो नहीं कर रहे, क्योंकि 47 या 46 क्या कहता है, उन लोगों की स्टेटमेंट जिनको एज ए विटनेस बुलाया नहीं जा सकता, और उनकी स्टेटमेंट को यह देखा जाएगा कि ये इनके खिलाफ कितनी साबित हो सकती है और इनके हक में कितनी साबित हो रही है। 155 रिफ्रेशिंग मेमोरी ए विटनेस में व्हाइल अंडर एग्जामिनेशन फ्रेश हिज मेमोरी बाय रिफ्रेशिंग रेफरिंग बाय एनी राइटिंग मेड बाय हिमसेल्फ एट द टाइम ऑफ द ट्रांजैक्शन कंसर्निंग व्हिच ही इज क्वेश्चन्ड। यानी एक बंदा जो है जब गवाही देने आएगा तो वो अपने पिछले सवालात को देखकर अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर सकता है। इसी में एक और बात बताई गई है कि अगर कोई वकील भी जिरा कर रहा है या एविडेंस करवा रहा है तो वो पिछली प्रोसीडिंग को देख सकता है ताकि उसको पता हो कि अब मैंने एविडेंस कहाँ से स्टार्ट करनी है, विटनेस देख सकता है अदालत से लेके। बिल्कुल। उसके बाद टेस्टिमनी टू फैक्ट स्टेटेड इन डॉक्यूमेंट मेंशन इन आर्टिकल 55 ए विटनेस मे आल्सो टेस्टिफाई टू फैक्ट्स मेंशन इन एनी सच डॉक्यूमेंट एज इज mentioned in article 55 although he has no specific recollection of the facts themselves if he is sure that the facts were correctly recorded in the documents. testimony to facts stated in document mentioned ab 155 mein jo documents diye gaye hain wo bhi usi tarah hai jaise wo memory refresh kar sakta hai, isme bhi aap apne aap ko jo sari piche statement di gayi hai unko ek dafa dekh sakte hain taki aap apni baaton ko pura kar sake. Although he has no specific recollection, but facts themselves, if he sure that the facts were correctly recorded in the documents, लेकिन अगर उसको यकीन हो जो उसने पीछे बयान की है डॉक्यूमेंट वो बात प्रॉपर एज इट एज ठीक है। 157 राइट ऑफ एडवर्स पार्टी एज राइटिंग यूज टू रिफ्रेश मेमोरी एनी राइटिंग Writing referred to under the provisions of the two last preceding articles must be produced and shown to the adverse party if he requires it. Such party may, if he appeals cross examination the witness thereupon. अगर जैसे वो गवाहान को दे सकते हैं इसी तरह adverse party भी अपनी proceeding को चलाने के लिए cross करने के लिए पिछली चीज़ों को एक दफ़ा नज़र मार सकती है अगर वो चाहे तो on the required. उसके बाद 158 प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ए विटनेस समन टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट शैल इफ इट इज इन हिज पोजेशन और पावर ब्रिंग इट टू कोर्ट नॉट विद स्टैंडिंग एनी ऑब्जेक्शन विच देयर मे बी इन टू इट्स प्रोडक्शन और टू इन इट्स एडमिसिबिलिटी द वैलिडिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्शन शैल बी डिसाइडेड ऑन बाय द कोर्ट। यानी एक बंदा जो है जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट है जो कोर्ट को चाहिए अगर उसके मुताबिक कोई ऑब्जेक्शन है या कोई इशू है तो वो कोर्ट डिसाइड करेगी, वो ऑब्जेक्शन उठा सकता है लेकिन उसको डिसाइड करना किसका काम है, कोर्ट का काम। 159 गिविंग एज एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट कॉल फॉर एंड प्रोड्यूस ऑन नोटिस व्हेन ए पार्टी कॉल्स फॉर ए डॉक्यूमेंट व्हिच ही हैज गिवन द अदर पार्टी नोटिस टू प्रोड्यूस एंड सच डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस्ड एंड इंस्पेक्टेड बाय द पार्टी कॉलिंग फॉर इट्स प्रोडक्शन ही इज बाउंड टू गिव एज एविडेंस इफ द पार्टी प्रोड्यूसिंग इट रिक्वायर्ड हिम टू डू सो। बात यह है कि अगर किसी पार्टी को एक पार्टी नोटिस करती है अगर और वो उसको कहती है कि ये डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू प्रोसीडिंग रिक्वायर्ड है तो वो दूसरी पार्टी बाउंड है उसको प्रोड्यूस करने की। 160 यूजेस एज एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन ऑफ व्हिच ही वाज रिफ्यूज्ड ऑन द नोटिस व्हेन ए पार्टी रिफ्यूज्ड टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट व्हिच ही हैज हैड नोटिस टू प्रोड्यूस ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड यूज द डॉक्यूमेंट एज एविडेंस विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी और द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। एक डॉक्यूमेंट है जिसको कोर्ट ने ऑर्डर किया है, नोटिस गया है कि ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस करो और वो क्या करता है, वो रिफ्यूज कर देता है, आफ्टरवर्ड वो उस डॉक्यूमेंट को एज एविडेंस यूज नहीं कर सकता। ठीक है,
एक डॉक्यूमेंट अदालत में कहा कि इसको अदालत में पेश किया जाए, वो उसको अदालत के ऑर्डर पर पेश है नहीं करता, तो अदालत कहती है कि ये डॉक्यूमेंट अब आपको दोबारा यूज करने की इजाजत नहीं है। 161 जज पावर टू पुट क्वेश्चन ऑन ऑर्डर प्रोडक्शन, द जज मे इन ऑर्डर टू डिस्कवर और टू ऑब्टेन प्रॉपर प्रूफ ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स आस्क एनी क्वेश्चन ही प्लेसेस इन एनी फॉर्म एट एनी टाइम ऑफ एनी विटनेस और ऑफ द पार्टीज अबाउट एनी फैक्ट रेलेवेंट और इररेलेवेंट एंड मे ऑर्डर द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और थिंग एंड नीदर द पार्टीज नॉर देयर एजेंट शैल बी entitled to make any objection to any such question or order nor without the leave of the court to cross examination any witness upon any answer given to reply to any such question। बात यह है कि जज के पास अख्तियार है कि किसी गवाह को किसी भी स्टेज पर किसी भी वक्त कोई भी सवालात कर सकता है, और जो सवालात उसने जज ने किए होते हैं, गवाह ने जो उसका जवाब दिया होता है, दूसरी पार्टी उस पर क्रॉस नहीं कर सकती। अगर वो करना चाहेगी तो उससे पहले उसको कोर्ट की इजाज़त लेनी पड़ेगी। अब बात आ गई चैप्टर नंबर 11 की, ऑफ इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस, आर्टिकल 162। नो न्यू ट्रायल फॉर इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस, द इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस शैल नॉट बी ग्राउंड ऑफ इटसेल्फ फॉर ए न्यू ट्रायल और रिवर्सल ऑफ एनी डिसीजन इन एनी केस इफ इट शैल अपीयर टू द कोर्ट बिफोर विच सच ऑब्जेक्शन इज रेज्ड द इंडिपेंडेंट ऑफ द एविडेंस ऑब्जेक्टेड टू एंड एडमिटेड देयर वाज सफिशिएंट एविडेंस टू जस्टिफाई द डिसीजन और दैट इफ द रिजेक्टेड एविडेंस हैड बीन रिसीव्ड इट आउट नॉट टू हैव वैलिड द डिसीजन। बात यह है कि अगर किसी पॉइंट पर जजमेंट आ जाती है और आप कहते हैं कि इसमें ये एविडेंस एडमिट नहीं की गई या रिजेक्ट की गई है, तो इट डजंट मीन कि वो केस ही दोबारा सिरे से सुना जाएगा, केस दोबारा नए ट्रायल उसका नहीं हो। यानी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट, अगर कोई एविडेंस रिजेक्ट कर दी गई है या उसको कंसीडर ही नहीं किया गया, तो आप कहते हैं जी नहीं नहीं ये केस अब दोबारा सिरे से चलाए, लॉ कहता नहीं जो रिजेक्ट नहीं हुई हम उसको दोबारा एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिस पेश कर दें दोबारा, वो पेश नहीं सिरे से नहीं होगा। आप अपेलेट कोर्ट में केस लेके जाते हैं कि ये एविडेंस ही कोर्ट ने एडमिट नहीं की, कोर्ट कहता है कोई बात नहीं उसने नहीं की तो हम कर लेते हैं, अगर जरूरी हुई तो रिजेक्ट है तो वो नहीं करेगा, केस दोबारा नहीं होगा, केस सिरे से नहीं चलेगा, दूसरी में भी नहीं होगा, एप्लेट में जा सकते हैं उसी स्टेज के लेवल की कोर्ट में दोबारा केस दोबारा शुरू नहीं, आपका और मेरा कोई इशू चल पड़ा, कुछ एविडेंस मैंने दी कुछ आपने दी, केस चलता रहा, कुछ आपकी रिजेक्ट होगी, उस पर रिजेक्ट होने के बाद फैसला आ गया, आप कहते हैं जी एडमिट होती तो फैसला शायद और आता, आपकी वो एविडेंस रिजेक्ट होगी, आप ऊपर जा कहते हैं कि ये केस दोबारा सुना जाए, लॉ कहते हैं नहीं आपका जो एविडेंस मिस हो गया उसको हम कंसीडर कर लेंगे, लेकिन केस सिरे से नया शुरू नहीं होगा। 63 एक्सेप्टेंस और डिनाइल ऑफ क्लेम ऑन ओथ, व्हेन द प्लेंटिफ टेक्स ओथ इन सपोर्ट ऑफ हिज क्लेम, व्हेन द प्लेंटिफ टेक्स ओथ इन सपोर्ट ऑफ हिज क्लेम, जब मुदई कोई चीज बयान हल्फी पे कहता है कि मैं बयान हल्फी के साथ कहता हूं कि मैंने ये चीज इससे लेनी है, द कोर्ट शैल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्लेंटिफ कॉल अपॉन द डिफेंडर टू डिनाई द क्लेम ऑन ओथ, तो कोर्ट को चाहिए, लाजम है कोर्ट पर कि ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्लेंटिफ, प्लेंटिफ की दरखास्त पर कहे मुद्दालय को भी, वो भी अगर इनकार करेगा तो ऑन ओथ इनकार करेगा। 164 प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस दैट हैज बिकम अवेलेबल बिकॉज ऑफ ऑर्डर एंड एडवाइस, इन सच केसेस एज द कोर्ट मे कंसीडर अप्रोप्रिएट कोर्ट मे अलाउ टू बी प्रोड्यूस एनी एविडेंस दैट मे हैव बिकम अवेलेबल बिकॉज ऑफ मॉडर्न डिवाइसेज और टेक्निक्स, जो वीडियोज़ वगैरह होती हैं ऑडियो वगैरह मॉडर्न डिवाइसेज के मतलब जितनी भी एविडेंस हैं उनकी प्रोडक्शन के बारे में 164 कहता है। 165 ऑर्डर टू ओवरराइड अदर लॉज द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डर शैल अफेक्ट हैव अफेक्ट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बींग इन फोर्स, यानी ये लॉ जो है हर सूरत हाल के मुताबिक ये एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल होता रहेगा और कोई इसको ओवरराइड नहीं करेगा, यही मौसर साबित होगा। ये हमारा कानून शहादत था जिसको हमने कोशिश करने की कोशिश की है, ये देख लो टाइम देख लो।